ये देखिए फ्रेंड, जहाँ इतने सारे कटिंग्स फेल हुए वहाँ सिर्फ एक कटिंग ये देखिए चल गई। इसकी पत्ती गिलोय जैसी लग रही है, नहीं तो ये गिलोय नहीं है। मैं बताई थी आपको इसमें एक पिंकिस थोड़ा सा पर्पल दोनों मिक्स टाइप के कलर के फ्लावर आते हैं। इसको रोड साइड से मैंने लाया था, तो ये कटिंग देखिए ये लग गई है। इसको मैं नहीं छेड़ूंगी। छोटी पत्तियाँ भी इसमें हैं, देखिए ये देखिए। तो ये प्लांट मेरा नया प्लांट जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, ये रेडी हो गया। ये देखिए मेरा शमी प्लांट कितना अच्छे से चल रहा है। इधर बरगद है, पीपल है, ये देखिए ये स्वीट पोटैटो आई है पूरा नीचे तक ये लटक रही है। ये देखिए यहाँ पे करेले की वाइन, तरबूज की वाइन, पता नहीं ये क्या क्या निकल आया है इसमें कंपोस्टिंग वाले ग्रो बैग में। देखिए ये मेरा आम का प्लांट है और इधर ये लीची, खजूर, ये देखिए अमरूद, सीताफल, ये देखिए इधर से मेरे प्लांट ऐसे दिखते हैं सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका किरण की फुलवाड़ी में। संडे अपडेट की एक झलक देने मैं आपके पास आ गई ऊपर टेरेस पे आपके लिए वीडियो बनाने। तो देख लेते हैं थोड़े थोड़े कटिंग्स के अपडेट भी मैं दूंगी आपको। ये देखिए चंपा के और यूफोरबिया मिलेगी, मेरे बहुत सारे कटिंग रेडी हो गए हैं आने वाले टाइम पे। पॉट्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है मेरे को, क्योंकि ये बहुत सुंदर फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं। ये छुपा छुपा के रखे हैं, देखिए ये दो हैं यूफोरबिया मिली और ये देखिए येलो वाले लेंटाना के, ये हैं यूफोरबिया मिली, डहलिया, ये देखिए गुलदाउदी, ये जो मैंने रिपोर्ट किया था लेंटाना, एक दिन कड़ी धूप निकली तो एकदम इसकी पत्तियां सूख गई थी तो मैं कट करके हटा ली हूँ। ये दिखाई दे रहा आपको, ये छोटू सा ये चंपा, ये लग चुका है, ये सारे लग चुके हैं, इनको मैं छेड़ नहीं रही हूँ। और दिखाती हूँ, ये देखिए ये भी इसी सीजन मैंने कटिंग से ये चंपा ग्रो किया है। देखिए इसमें तो एक बार फ्लोरिंग भी हो चुकी, और साइड में ये देखिए यहाँ भी मैंने यूफोरबिया मिली को गड़ा दिया था, ये भी रेडी। अनगिनत प्लांट इसके रेडी हो गए हैं, खूब सुंदर सी रेड कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। और ये है दिया बाती गुल दोपहरी, जो है फ्री का प्लांट। सारे तो मेरे फ्री के ही हैं, मैं क्या क्या बताऊँ। अब मेरे को चुन चुन के ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लांट मैंने परचेस किए हैं, क्योंकि सारे तो मेरे फ्री के हैं। और इधर दिखा दूँ, ये देखिए बर्बीना वाले जो मैंने लगाए थे ये दो अच्छे से चल पड़े, और ये चोरी करके मैंने ये जो लाया था टर्टल वाइन, इससे मैं कितने सारे और पॉट्स रेडी कर सकती हूँ। इसके दो पॉट बना लिए हैं मैंने यहाँ पे, देखिए पाइन सिटिया के और भी कटिंग मेरे को लगाने हैं। आ रही हूँ, ये देखिए मेरी बेटी नीचे से बुलाने भी लगी मेरे को। और ये देखिए इसको इसीलिए बहुत रफ टफ प्लांट बोला जाता है कैलेंचियो को, इसके सारे के सारे कटिंग, एक पत्ती भी मैं देखे गड़ा के रखी हूँ वो भी लग गई है, उसमें भी जड़े आ गई हैं। तो ये कभी फैल नहीं होती। ये डहलिया में भी आप देख सकते हो, इसमें दो तीन तो रेडी हुए ही जाएंगे, लग चुके हैं बहुत अच्छे से।
और ये देखिए इसके नाम मेरे को नहीं पता, तो मैं इसको मिनी थनबर्जिया ही बोलती हूँ, क्योंकि इसके फ्लावर वैसे होते हैं, पत्तियाँ भी वही हैं, इसका साइज छोटा है। और ये कटिंग भी मेरी लग गई है। तो आज संडे पे मैं अपने कटिंग से जो मेरे प्लांट्स रेडी हुए हैं उन्हीं का छोटा सा अपडेट देने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये छोटू सा कटिंग से ही मैंने लगाया था, ये देखिए इसमें भी बालसप में खिल रहे हैं। और इसके सीड से मैं एक अलग सा पॉट बनाऊंगी, उसमें सारे इसके सीड डाल दूंगी, तो एक साथ ये बहुत सारे प्लांट उसमें खिलेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और ये मैं बताना भूल गई, ये देखिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी, ये बोगनविला, ये भी मैंने इसी सीजन कटिंग से रेडी किया है। तो बस फ्रेंड आज की यही थी मेरी छोटी सी शेयरिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। तो ओके फ्रेंड, बाय।